नमस्कार, आयुष्मान भारत योजना को लेकर मेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। जेपीएससी मेंस और बीपीएससी मेंस के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। इसके लिए पूरी फैक्ट आपको बताएंगे। आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ पॉलिसी शुरू की जा रही है। शुरुआत कब होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये सफल हो पाएगा, इसकी क्या मिशन योजना है, क्या क्या चीज़ों को कवर किया जा रहा है, कितने लोग अलग अलग राज्य में कवर किए जाएंगे, तो झारखंड लोक सेवा आयोग और बीपीएससी मेंस के लिए महत्वपूर्ण इस पर आज हम बात करेंगे। आयुष्मान भारत जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका मूल नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 5 लाख रुपये का मुफ्त बीमा इसमें दिया जा रहा है। 5 लाख रुपये का मुफ्त बीमा होगा और साथ में गरीब जो परिवार है उन्हें ये चीज़ें दी जा रही हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी केंद्र सरकार की जब ये लागू होगा। भारत के सभी राज्य में ये लागू किया जा रहा है। झारखंड में 57 लाख परिवार को ये लाभ मिल रहा है, 57 लाख परिवार को ये लाभ झारखंड में दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि 68 लाख फैमिली टोटल झारखंड में है, इसमें से 57 लाख फैमिली को इसका लाभ मिलेगा, ये सरकार की ओर से बताया गया है। लाभ लेने के लिए राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर राशन कार्ड है तो आप लाभ ले सकते हैं। सिर्फ राशन कार्ड के बुनियाद पर ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना की जो खासियत है कि आपको बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। अगर राशन कार्ड में नाम दर्ज है और राशन कार्ड आपका बना हुआ है तो आपको ये मिल जाएगा, तो ये योजना की खासियत होगी। कोई भी एज के कोई लोग हो सकते हैं, मतलब इसमें कोई रोक नहीं है कि आपकी एज कम होनी चाहिए। किसी भी एज के लोग हों इसमें कवरअप मिलेगा, चाहे वह 65 वर्ष के हों या नर्सरी 0 ईयर्स 0 से 1 साल के बीच के भी जो बच्चे हैं उनको लाभ मिलेगा, टोटल मेंबर को मिलेगा। और ये रजिस्ट्रेशन जो होगा हॉस्पिटल में फ्री होगा, मतलब कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। जिन हॉस्पिटल को इसमें कवरअप किया जा रहा है 5 लाख रुपये का जो मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा योजना जो चलाई जा रही है, सारे हॉस्पिटल में लोगो लगाया जा रहा है। मतलब लोगो इसलिए लगवाया जा रहा है सभी हॉस्पिटल में कि कोई भी हॉस्पिटल इससे मुकर नहीं सकता है इन फ्यूचर कि वह इसे देना नहीं चाहता है। तो जिस हॉस्पिटल को केंद्र सरकार ने इस योजना में शामिल किया है उस हॉस्पिटल में इसका एक लोगो लग जाएगा कि ये योजना जो है आयुष्मान भारत का योजना, इसका एक लोगो लगेगा ताकि जो मरीज है वो समझ पाएंगे कि हमको यहाँ से लाभ लेना है। साथ में कंपलसरी होगा कि आपको देना ही पड़ेगा और भर्ती होने के साथ ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे ही कोई भर्ती इसमें होगा तो इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शुरू में माना जा रहा था कि योजना शुरू होगा या नहीं होगा, कितने लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन अब सारा कुछ स्पष्ट हो गया है, धरातल पर उतर गया है। झारखंड से इसकी शुरुआत भी होने जा रही है और पूरे भारत को इसमें कवरअप किया जा रहा है। बहुत बड़ी धनराशि केंद्र सरकार की ओर से दिया जा रहा है। राशन हो, कार्ड हो या आधार नंबर हो, आपको लिंक मिल जाएगा। किसी के पास वोटर आईडी है उससे भी हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस है, किसी एक पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। पहले से भी कोई बीमारी है तो बीमा कवर मिलेगा उसको। अगर कोई व्यक्ति पहले से बीमार है तो उसको भी बीमा कवर दिया जाएगा। ये उसकी विशेषताएँ हैं जो आपको मेंस के नोट्स में लिखना है। और साथ में 1455 ये नंबर है, आप कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, 1455 पर आप जानकारी लें। कागजी कार्रवाई पूर्ण फ्री होगी, मतलब किसी भी स्तर पर पैसा नहीं लगेगा, एक रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। जांच और दवाई दोनों फ्री होगा। किसी भी प्रकार की जो रिपोर्ट होती है, MRI हो या CT स्कैन हो, ब्लड रिपोर्ट हो, सारा कुछ निःशुल्क और फ्री है। पूरे देश में इसे लागू किया जा रहा है। नवजात शिशु को भी इसमें कवरअप किया जा रहा है, जो छोटे बच्चे हैं जिसका जन्म हुआ है उनको भी कवरअप किया जा रहा है। फैमिली फ्लोटर बेसिस है इसमें। फैमिली फ्लोटर बेसिस का मतलब हो गया कि 5 लाख का लाभ एक या पूरा फैमिली मिलकर के ले सकते हैं। फैमिली फ्लोटर बेसिस बनाया गया है जिसमें किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो जाती है तो 5 लाख रुपये तक का लाभ उसे दिया जाएगा, चाहे महंगा से महंगा हॉस्पिटल क्यों ना हो। जो जन्मजात रोग है इसको बाहर रखा गया है, जैसे कि कान का जो रोग होता है जन्मजात वाला, उसको इस पर कवर नहीं किया गया है। और साथ में
ये भी चीज को किया गया है कि जो टीकाकरण होता है, टीकाकरण वाला काम, कॉस्मेटिक सर्वे जो होता है, लोगों की सर्जरी करानी पड़ती है, इसको अलग रखा गया, इसको इसमें कवरअप नहीं किया जाएगा बीमा की अवधि में। तो शिकायत को ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। 23 सितंबर 2018 से ये शुरू हो रहा है, ये योजना 23 सितंबर 2018 से इसकी शुरुआत की जा रही है। तो आयुष्मान भारत योजना के लागू हो जाने के बाद में अब क्या होगा, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं, लगभग इसकी 35% जनसंख्या है, नियर अबाउट ये हो जाता है 40 से 50 करोड़ के बीच में, उनको ये पूरा लाभ मिलेगा। और जो गरीब जो हैं वो अगर इलाज नहीं करवा पाते थे तो फिर उन्हें ये इलाज इस अवधि में पूर्ण रूपेण दिया जाएगा। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इसकी निगेटिविटी क्या हो सकती है, इसका अगर आलोचना आएगा लिखने के लिए, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए तो आपको क्या लिखना है। भारत में ऐसी कई योजनाएं पहले से चल रही हैं, उन योजनाओं का धरातल पर हाल बुरा होता है। दूसरा कि जैसे आपको बताते हैं कि प्रत्येक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में एक सिस्टम है कि 10% गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना पड़ेगा, तो नियम की को लागू रखने के लिए सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल अपने सेकेंड हाफ में, यानी कि वो जो उनका दूसरा हाफ होता है जिसमें हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है, शहर का साधारण शिक्षक जिसमें होते हैं, तो वो उसको लागू कर दिया। तो गवर्नमेंट की एक प्रकार से टैक्स बेनिफिट भी मिल गया और एक खाना पूर्ति हो गया। क्या ये उम्मीद नहीं है कि भारत में जो हॉस्पिटल होंगे वो सरकारी इस बीमा का कवर देंगे ही? दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी सरकारी हॉस्पिटल तो है भारत में, उसमें फ्री की सुविधाएं दी जानी है, लेकिन ये क्या वहाँ पर हो पाता है? आप जहाँ कहीं भी रहते होंगे आप हमारे कमेंट बॉक्स और ब्लॉग में लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि आप जिस इलाके में रहते हैं क्या वहाँ पर सरकारी बीमा की बात छोड़ दीजिए, उस हॉस्पिटल में कभी आप इलाज करवाने गए हैं और गए हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा है, हमारे ब्लॉग में ज़रूर लिखिएगा। और साथ में ये बताइए कि जो हॉस्पिटल में करोड़ों रुपया आता है और रूरल एरिया में डॉक्टर जाना नहीं चाहते हैं, आप भारत में कई यूनियन ने स्ट्राइक की घोषणा कर दी है कि हम रहेंगे तो शहर में रहेंगे, बीच में नियम आया था, खुद झारखंड में आया था कि मुखिया से पूछना जरूरी होगा डॉक्टर को छुट्टी के पहले, सारे डॉक्टर के यूनियन ने इसके लिए स्ट्राइक कर दिया। अब ये कितना सफल होगा, हालांकि बीमा योजना में पैसा तो बीमा कंपनी देगी, सवाल ये उठ रहा है कि सरकार की योजनाएं धरातल पर बनती है और बनते साथ बिगड़ना शुरू हो जाती है, तो इतनी बड़ी राशि की यह योजना क्या प्राइवेट हॉस्पिटल पर शिकंजा कस पाएगा? जो लोग जो हॉस्पिटल आयुष्मान भारत से जुड़ेंगे क्या वो सारे हॉस्पिटल सरकार की नीतियों को हूबहू लागू कर देंगे या फिर वही खाना पूर्ति कागजी प्रक्रिया में हो जाएगा? तो ये एक बड़ा सवाल रहेगा। दूसरा कि गांव के लोग जो रूरल लोग हैं, जो गरीब हैं और जिनको मूल रूप से ये स्वास्थ्य बीमा चाहिए होगा, वे बड़े हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचेंगे? हालांकि सारी कूचे की कागजी प्रक्रिया नहीं होगी, 15111455 पर ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर कंप्लेन करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें क्या तुरंत एक्शन होगा और सरकार के ऐसे कितनी चीज़ें हैं जिस पर एक्शन हुआ है, तो आप को सोचना पड़ जाएगा कि बहुत मुश्किल है ये सवाल, इसका उत्तर खोजना। तो ये समस्या रहेगी। आयुष्मान भारत योजना चलिए पॉजिटिव चीज़ों के साथ शुरू की जा रही है, अच्छी सोच के साथ शुरू की जा रही है कि भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या, खुद समझिए कि झारखंड में अगर 57 लाख फैमिली को इसका फायदा हो जाएगा, एक परिवार में 4 के आसपास सदस्य होते हैं, तो झारखंड की कुल जनसंख्या का लगभग 70-80% लोग को इससे लाभ मिलने लगेगा। अब ये लाभ कब तक बरकरार रहता है ये इम्पोर्टेंट होगा। आयुष्मान भारत योजना की कवायद जब से केंद्र में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसी समय से शुरू की जा रही थी। 2018 में 23 सितंबर को ये लागू हो रहा है, 23 सितंबर 2018 में, और ये कोशिश की जा रही है कि प्रत्येक परिवार को
₹5 लाख का बीमा मिलेगा, जिसमें एक फैमिली हो चाहे एक से अधिक फैमिली हो, सारे लोग मिल करके इस बीमा का लाभ ले सकते हैं। ये इसमें योजना बनाई गई है। हमारा प्रश्न आपसे है कि आपको क्या लगता है कि इसका लाभ वास्तव में मिलेगा, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा और हम आपके आंसर्स भी देंगे। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और राष्ट्रीय घटनाक्रम की हमारा YouTube चैनल जो है वो आपको देखते रहना है, और झारखंड की प्रमुख घटनाओं के लिए झारखंड अब तक न्यूज़ चैनल को देखते रहना है। हमारे साथ जुड़ेंगे, शेयर लाइक भी करते रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।